जब जब नागिन के तीसरे सीजन की बात की जाती है, तब तब अभिनेत्री सुरभि ज्योति का नाम सबके जुबा पर आ जाता है, जिन्होंने सीरियल के अंदर बेला के किरदार में अपने दमदार अभिनय और नागिन वाले अवतार के साथ दर्शकों का खूब दिल जीता था, खासकर आम लड़कों का, जो इनके इस कदर फैन हो गए कि उन्होंने इन्हें प्रपोज करते हुए सोशल मीडिया पर प्यार भरे प्रपोजल भी भेजे, पर इन्होंने उन सबका दिल तोड़ते हुए सभी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभिनेत्री सुरभि ज्योति ने केवल आम लड़कों का ही प्रपोजल रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो टीवी इंडस्ट्री के चार अभिनेताओं के भी प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, जिन्होंने बड़े ही प्यार से इन्हें प्रपोज किया था, पर इन्होंने एक एक करके किसी न किसी वजह से उन सभी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। और आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको उन्ही चार अभिनेताओं से रूबरू कराएंगे जिनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुके हैं ये एक्ट्रेस। नंबर एक, अर्जित तनेजा। इस लिस्ट पे अपना पहला नाम दर्ज कराते हैं अर्जित तनेजा, जिन्होंने किया था सुरभि ज्योति को प्रपोज उनकी सुंदरता पर मर मिटने के बाद, इस आस में कि वो इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे, पर हुआ इसका बिल्कुल उलट, क्योंकि उन्होंने इनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया ये कहते हुए कि उन्हें अपना लाइफ पार्टनर अपनी सुंदरता पर मरने वाला नहीं बल्कि समझने वाला चाहिए, जो उन्हें समझे और उनके हर कदम पर साथ थे। उन्हें अच्छे से पता है कि इनका सुंदरता वाला प्यार केवल कुछ ही टाइम का होगा। नंबर दो, विजेंद्र कुमेरिया। जी हाँ, विजेंद्र कुमेरिया के भी प्रपोजल को ठुकरा चुकी हैं अभिनेत्री सुरभि ज्योति, जिनकी खूबसूरत मुस्कान पर अपना दिल हार बैठे थे ये, और इन्हें अपना बनाने की चाहत में इन्होंने उन्हें प्रपोज कर डाला। हालांकि प्रपोजल मजाकिया था, क्योंकि विजेंद्र कुमेरिया पहले से ही शादीशुदा हैं, पर इन्होंने एक दिन मजाक मजाक में उन्हें प्रपोज कर दिया और मजाक मजाक में ही सुरभि ज्योति ने इनका प्रपोजल ठुकरा दिया। नंबर तीन, वरुण तुर्की। कबूल है सीरियल में सुरभि ज्योति के साथ काम कर चुके अभिनेता वरुण तुर्की को ना सीरियल में सुरभि ज्योति मिली और ना ही इन्हें रियल लाइफ में मिली, हालांकि इन्होंने उन्हें पाने की चाहत में उन्हें प्रपोज तो किया और बताया कि ये उनसे कितना प्यार करते हैं, उनकी भोली भाली सूरत और नटखट अंदाज पर ये अपना दिल हार बैठे हैं, ये तो उन्हें बेहद पसंद करते हैं, पर क्या वो भी इन्हें पसंद करती हैं? इनके सवाल के जवाब में सुरभि ने कहा था कि वो इन्हें पसंद करती हैं, पर एक अच्छे दोस्त की तरह, वो इन्हें अपना अच्छा दोस्त मानती हैं और हमेशा ही एक दोस्त के रूप में इन्हें पसंद करेंगी। बस यही बात कहते हुए उन्होंने इनके प्रपोजल को ठुकरा दिया। नंबर चार, पल्लवी पुरे। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में एक नाम शुमार होता है नागिन के सीजन 3 में सुरभि ज्योति के बॉयफ्रेंड से पति बने अभिनेता पल्लवी पुरे का, जो शो में जितना सुरभि ज्योति से प्यार करते हुए दिखे थे, उतना ही रियल लाइफ में सुरभि से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसलिए तो रील के साथ ये रियल लाइफ में भी उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड से पति बनाने की योजना के साथ इन्होंने हिम्मत करके उन्हें प्रपोज ही कर डाला, पर इनकी हिम्मत वेस्ट चली गई, क्योंकि सुरभि ज्योति ने तो इनके प्रपोजल को ठुकरा दिया ये कहते हुए कि वो भी इन सब के मामलों में पड़ना नहीं चाहती, वो सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहती है, उन्हें अपने करियर में और ऊंचाइयों को छूना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सुरभि ज्योति ने इनमें से किस एक्टर का प्रपोजल रिजेक्ट करके सबसे बड़ी गलती की है? आप हमें उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।